हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, लेकिन बड़ा गुड है कि बी थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्माइल, ग्रोथ एंड हैप्पीनेस। जस्ट मेरे को लगा कि ये सबको सीखने वाली बात है, और डे बाय डे चीज़ें, ये सब जो एथिकल वाला जो पार्ट है, ये डे बाय डे उतना स्ट्रांग नहीं रहा है, तो लोग उतना केयर नहीं करते। तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, इस टॉपिक पे बात करते हैं करके। कितने लोग ऐसे होंगे जो जो लोग थैंकफुल होते होंगे, जो लोग किस ना किसी के कारण हैप्पी रहे होंगे, या उनके चेहरे पे स्माइल आती होगी। कितने लोग ऐसे होंगे जो लोग थैंकफुल मतलब हमेशा रहते होंगे या कुछ दिन रहते होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक इंसान को ये तो क्लियर होता है ना कि उसकी लाइफ की ग्रोथ, उसकी लाइफ का हैप्पीनेस, उसकी लाइफ की स्माइल, सब अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, हमारी फैमिली बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे ग्रोथ में, हमारे हैप्पीनेस में, हमारे स्माइल में। ठीक है, तो हमको हमेशा थैंकफुल होना चाहिए सभी लोगों का, चाहे वो फैमिली हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे फिर कोई जिसको हम फॉलो करते हो, जो हमारा कोई गाइड करने वाला व्यक्ति हो। बहुत सारे लोग धीरे धीरे, मेरे को लगता है कि समय के साथ से भूलते जाते हैं। उनको उनको एक समय के बाद किसी को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि कौन कौन लोग मेरे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं, मेरे हैप्पीनेस के लिए इंपॉर्टेंट रहे। ऐसा लोग उस वे में नहीं लेते, ऐसा मेरे को लगता है। समय के साथ साथ सभी लोगों के साथ होता होगा ऐसा। आप लोग भी लाइफ में कितने बार ऐसा होता होगा कि अपने टीचर को कभी सर्च करते होंगे, अपने विलेज जाते होंगे या कोई टाउन में रहते होंगे, तो ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि लाइफ हमारी बिजी है। तो कई बार हम लोगों को बहुत प्रॉपरली थैंकफुल रहते भी है तो भी कई बार नहीं कर पाते, शो नहीं कर पाते। हमारी जो फीलिंग है उसको हम शो नहीं कर पाते, और मेरे को लगता है कि करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी को शो नहीं करेंगे तो उसको पता कैसे चलेगा कि हम उसको लाइक करते थे, हम उसको प्यार करते थे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को एक प्यारा सा मैसेज किया जाए। क्या फर्क पड़ता है, इतने सारे तो दिन भर आप लोगों के मैसेज देखते हो, एक प्यारा सा मैसेज किया जाए। जो भी जिंदगी में थैंकफुल है, तो आज के वीडियो में आप एक चीज़ तो करोगे, जितने लोग भी मेरे को जानते समझते हैं, कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर उन लोगों को मैसेज करोगे जो आपके लाइफ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। आपका कोई गाइड रहा है, आपके कॉलेज में कोई आपकी हेल्प किया है, बहुत ही कम लोग ऐसे होते जो कॉलेज लाइफ में बहुत बड़े हेल्पफुल होते, या कोई आपका फ्रेंड जो आपकी लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, आज की डेट में आपकी हो सकता है 2 साल से बात नहीं हुई हो, 3 साल से बात नहीं हुई है, स्कूल का कोई फ्रेंड, कॉलेज का कोई फ्रेंड, क्योंकि जर्नी सबकी अलग अलग हो रही, कोई सक्सेसफुल हो गया, कोई अपनी जर्नी में स्ट्रगल कर रहा है, तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ लोग होते। मैं भी इस वीडियो को बनाया हूँ, तो मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज मैं उन कुछ लोगों को जरूर थैंक यू का मैसेज करूँगा, बड़ा अच्छा वर्ड्स में। नॉर्मली मैं करते रहता हूँ, बट फिर भी आज आपके साथ ये जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ कि चलो आप लोग ये करने वाले हो कि जो लोग भी आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट रहे हैं, जिनके कारण आपके फेस पे स्माइल आई है, जिनके कारण आप ग्रोथ किए हो, आपकी जो फीलिंग स्ट्रांग हुई है, उन सब लोगों के लिए थैंकफुल होना जरूरी है। और मतलब ये बड़ा नेचुरल चीज़ है। सेकंड चीज़ है कि अगर हम जिनके कारण यहाँ तक पहुँचे हैं, जिनके कारण हमारी लाइफ में इतना बड़ा अच्छा फीलिंग आया है, अगर हम उनके लिए अच्छा नहीं कर सकते, उनको उनको बहुत अच्छा लिख नहीं सकते, उनको बहुत अच्छा बोल नहीं सकते, तो इतना तो ध्यान रखें कि उनको कभी हर्ट ना करें, उनको कभी हर्ट ना करें। मतलब समझ रहे, सबसे ज़्यादा हर्ट कौन होता है? जो आपका बहुत केयर किया, जो आपके हैप्पीनेस के लिए कभी कभी कंप्रोमाइज किया, वो कोई भी हो सकता है ना, वो कोई भी हो सकता है। जो आपकी आपके आपको आगे बढ़ाने के लिए ना आपको हाथ दिया, आप इस हाथ पे चढ़े और फिर स्टेप पे चढ़े, फिर आपको हाथ दिया, फिर चढ़े, और एक दिन चढ़ने के बाद आप उसको पीछे मुड़ के देख भी नहीं रहे हो। पता है, वो भी वो कंसिडर कर लेता है इंसान कभी कभी, बट पीछे मुड़ के उसको अपोज करना, वो हर्ट करता है। तो जिंदगी में न्यूट्रल रहना भी कभी कभी ना किसी को चल जाता है। एक व्यक्ति अपनी लाइफ में कई लोगों की हेल्प करता है तो भूल जाता है कि ठीक है मैं किसकी हेल्प किया था, बट उसको अपोज करना इज नॉट गुड। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आज का अपना लाइफ का जो आज का अपने वीडियो का एजेंडा क्या है, उन सब लोगों को जिनके कारण हम लाइफ में कुछ ना कुछ तो किए, ग्रोथ किए, कोई हमको उठाया है, अगर हम जिस जगह पे थे, अगर वहाँ उस जगह से, या हम गिर रहे थे, गिरते हुए हमको उठाया है, या हमारी लाइफ यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, यहाँ तक हमको पहुँचाया है, तो हमको थैंकफुल होना चाहिए। और ये अच्छी बात है। अभी आज की डेट में थैंकफुल वाली चीज़ें नहीं है। आज की डेट में तो लोग ये भी सोच लेते हैं कि पेरेंट्स हमको क्या दिए और हम उनको क्या दिए, तो लोग जब पेरेंट्स से भी कंपेयर कर देते हैं, आज की डेट में तो लोग गजब हो गए, मतलब अजीब हो गए, गजब हो गए कि लोग पेरेंट्स से भी कंपेयर कर देते हैं कि पेरेंट्स हमारे लिए क्या किए,
और हम पेरेंट्स के लिए क्या किए, तो हम पेरेंट्स के लिए क्या किए ये भी कंपेयर कर देते. आई डोंट थिंक कि हम पेरेंट्स के लिए क्या किए ये कोई क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है. लेकिन अभी मैं देखता हूँ लोगों का फीलिंग वाइज जो है ना, लोग जैसे ही हीरो बनते हैं, एक मूवी में आपको कोई डायरेक्टर चांस दिया, बहुत लोगों को सिलेक्ट किया, फिर आपको वो चांस दिया, फिर उसके बाद वो आपको बताएगा नहीं ऐसी ये मिस्टेक कर रहे हो यार, आपका डायलॉग डिलीवरी सही नहीं है, आप लोग आपसे लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे. फिर आपके लिए बहुत मेहनत किया, बोला नहीं 3 दिन के बाद शूटिंग करेंगे, आप बहुत अच्छा करो. फिर आपके लिए बहुत मेहनत वेहनत किया, बहुत अच्छे आपके लिए प्लान किया कि कैसे एग्जीक्यूट करोगे. इंसान तो आप ही हो ना, आपकी जगह के तो रह के वो एक्टिंग करेगा नहीं, लेकिन आपके लिए बहुत प्लान किया, फिर आपको पूरा का पूरा बताया, फिर मूवी आई और मूवी सुपरहिट हो गई और आपको पब्लिक ऑटोग्राफ ले रहे हैं और आप ऑटोग्राफ दे रहे हो. अच्छी बात है, इस कॉन्फ्रेंस से ऑटोग्राफ दे रहे हैं. लेकिन अपन ये भूल जाए कि 2 साल तक मूवी जब बन रही थी तो उस 2 साल तक आप स्ट्रगलर थे और उस 2 साल में क्या सिचुएशन थी. उस मूवी का हीरो और कोई भी हो सकता था, हो सकता है उस मूवी के हीरो नहीं होते आप, और आपकी जगह और कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता था. तो अगर आपको लगता है कि आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता और उसकी जिंदगी बेटर होती और आप अगर सिलेक्ट नहीं होते, तो वो सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं आपके इस वाले इंटरनल फीलिंग के लिए. तो हमेशा थैंकफुल होना चाहिए सभी लोगों को. मैं नॉर्मली ट्राई करता हूँ कि बड़ा अच्छा मेरा वो रहे लोग से, अगर मैं किसी से अलग लेवल में हेल्प किया हूँ तो मैं उसकी नेक्स्ट लेवल में हेल्प करूँ, उसके बाद भी मैं थैंकफुल रहूँ. कभी भी ऐसा ना हो कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनते जा रहा हूँ या रिच पर्सन बनते जा रहा हूँ तो मैं कभी भी सो करूँ कि उतने में कोई व्यक्ति हर्ट हो जाएगा ना, क्योंकि मेरी कोई हेल्प किया होगा एकदम स्ट्रगल वाले पीरियड में. बड़ा मैं 500 रुपये के लिए जब मैं स्ट्रगल करता हूँगा तब कोई मेरे हेल्प किया होगा वो 500 रुपीज़, तो आज वो 500 रुपीज़ ना वो 50 लाख के बराबर है. तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि चलो उसको 5,000 रिटर्न कर देता हूँ और मैं बोलूँगा सूद समेत वापस कर दिया. कोई ये बिजनेस नहीं है. जिस टाइम पे आप थे ना, उस टाइम और आज के टाइम में डिफरेंस है. उस जगह पे और कोई भी व्यक्ति हो सकता था. दो चीज़ होती, एक किसी की हेल्प करना और एक किसी के पूरा उसके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना. तो किसी की हेल्प करते समय व्यक्ति अगर कोई दूसरा व्यक्ति भूल जाए तो इतना हर्ट नहीं करता, लेकिन किसी के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना और उसके बाद भी लोग डिफरेंट एंगल में अगर जब रिटर्न करते तो बड़ा आसान नहीं होता है. तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को जानने वाले लोग, आप लोग जितने लोग मेरे को फॉलो करते हो, क्योंकि आजकल आप ना बेहतरीन, लास्ट जो वीडियो था, कल वाला जो वीडियो था, उसमें बहुत सारा आप कमेंट्स किए, बहुत सारा आप लिखे, जो मैं बोला था कि डिसअपॉइंट करना है लोगों को हमको, वो बड़ा मैं ऐसे ही बना दिया था. मैं ऐसा सोचा नहीं था कि आपको इतना अच्छा लगेगा, बट मैं देखा कि आपको बहुत पसंद आया, बहुत सारे आपके कमेंट्स आए. मतलब सबसे ज़्यादा कमेंट्स उसी पे होंगे आज तक, मेरे को लगता है मैक्सिमम कमेंट्स मे बी उस पे होंगे. तो हमको नहीं पता होता है हमारी जर्नी में, और इतना गुड ह्यूमन बींग तो हमको रहना है ना, कि मतलब हम थैंकफुल तो रहे ना. चलो आप बहुत गुड ह्यूमन बींग नहीं हो तो आप न्यूट्रल तो रहोगे ना, कि आप किसी से कुछ लिए हो और उसको अपोज करोगे इज नॉट गुड, या उसके बारे में खराब सोचोगे, खराब बोलोगे इज नॉट गुड. तो जिंदगी में इंसान को एटलीस्ट इतना रहना चाहिए. बोला कभी कभी लोग सोचते होंगे कि सर आप ना इस टाइप की बात इसलिए करते हो, कई लोग ऐसे सोचते होंगे मेरा वीडियो देखते हुए, कि सर ना आप ना इस जगह पे और आप बहुत लोगों की हेल्प की हो ना, तो आपके टॉपिक में ना ये बात आ जाती है कि लोगों को थैंकफुल होना चाहिए. ऐसा लोगों को लगता होगा कि आपके टॉपिक में बात आ जाती है क्योंकि आप बहुत लोगों की हेल्प की है. तो मेरे को लगता है कि इसलिए मैं ये बात करता हूँ क्योंकि उस जगह पे और कोई भी हो सकता था, जिस जगह पे बहुत सारे लोग, जिन लोगों की मैं भी हेल्प करता हूँ, मैं तो बहुत लोगों की हेल्प करता हूँ, उस जगह पे दूसरा व्यक्ति भी हो सकता था, उस जगह पे दूसरा एक स्टार हो सकता था, उस जगह पे दूसरा कोई एक पर्सन हो सकता था, उस जगह पे दूसरा किसी एक व्यक्ति को हम रख सकते थे और किसी को लर्न, मतलब किसी को सिखाना, पूरे तरीके से सिखाना, उसके लिए बहुत प्लान करना, ये इतना आसान नहीं होता है, ये इतना आसान नहीं होता है. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब भी आपकी फीलिंग के लिए कोई काम किया है, आपकी स्माइल के लिए कोई काम किया है, आपकी ग्रोथ के लिए कोई काम किया है, आपकी हैप्पीनेस के लिए कोई काम किया है, उसको हमेशा थैंकफुल रहो. बोल दो यार एक बार, क्या फर्क पड़ता है, बोलो ना. साल में एक बार तो बोलना चाहिए, साल में 2 बार बोलना चाहिए, मौका मिले तो 10 बार बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए, इंसान को ऐसा करना चाहिए. हम रूटीन लाइफ में कई बार ना, हम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है, ऐसा मैं सोचता हूँ, हम लोग कंपेरिजन बेसिस पे रहते हैं. बहुत सारे लोग नॉर्मल लोग हैं ना एक्चुअली,
इसलिए बहुत सारे लोग ना, आपको पता है सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते, मेरे को ऐसा लगता है कि सक्सेस की डेफिनेशन बड़ी डिफरेंट है। कई बार लोग ना, बहुत अच्छे अच्छे पोटेंशियल वाले लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि उनके सोचने का नजरिया ना नेगेटिव है। पता आपके पास, मैं अपनी जिंदगी के 16 साल में, जब से मैं पढ़ाना चालू किया हूँ, इन 16 साल में बहुत पोटेंशियल वाले लोगों को देखा और निपटते हुए देखा। यकीन मानिए, उनमें से मैं कई लोगों के लिए लिख सकता था, अगर वो ना, उनका एटीट्यूड अगर अच्छा होता ना, वो सुपर डुपर हीरो होते अपनी जिंदगी में, इंडिया लेवल पे सुपर डुपर होते, क्योंकि ना उनका नजरिया नेगेटिव था। जो लोग ना ये सोचते हैं कि मेरे कारण किसी को क्या मिल रहा है, जैसे कि मैं किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा, अच्छी जिंदगी मस्त टाइप से प्रोवाइड करने की कोशिश किया, दिया भी। कई बार ऐसा हो सकता है कि लोग सोचे कि कोई किसी की जिंदगी थोड़ी चेंज करता है। सर ओके, कोई किसी की जिंदगी चेंज नहीं करता, लेकिन अगर मैं किसी की जिंदगी के लिए बहुत अच्छा अच्छा कुछ कुछ किया, बोला बहुत अच्छा अच्छा कुछ कुछ किया, और आप ना ये सोचने लग गए कि मेरे कारण इनको क्या क्या मिलता है करके, मेरे कारण इनको क्या क्या मिलता है, तो पता है आपका नेगेटिव एटीट्यूड ना आपको ना ग्रोथ नहीं करने देगा। क्योंकि ना, जब ना आप एक स्ट्रगल से, जब आप थोड़ी सी अच्छी पोजिशन में आते हो, स्ट्रगल से थोड़ी सी अच्छी पोजिशन पे आते हो, और उसके बाद आपका ये फीलिंग, ये सोचना कि मेरे कारण इनको क्या मिल रहा है, मैं कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो इससे होता कुछ नहीं। कभी कभी एक अच्छा क्रिएटिव पर्सन निपट जाता है, एक अच्छा हुनर वाला व्यक्ति, जिसके पास हुनर होता है, वो निपट जाता है। तो अभी ना आप स्टूडेंट हो, अभी आपकी जर्नी में ना, अभी जर्नी में बहुत सारी चीज़ मिलेगी, थोड़ी सी आपकी जर्नी के ऊपर की बात है। तो आप अभी आपकी जर्नी में कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे जो आपको अप्रिशिएट करते होंगे, बहुत कम लोग होते हैं अप्रिशिएट, बहुत कम लोग करते, बहुत गिने चुने लोग करते, मैक्सिमम लोग तो गिराने की कोशिश करते, गिने चुने लोग। रिलेटिव्स में भी 50 में से 2 लोग अच्छे होते, 48 आपको गिराने की कोशिश करते, बट वो 2 लोग को आप हमेशा थैंकफुल रहो। फ्रेंड सर्कल में भी 1-2 लोग ही आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए थैंकफुल रहो, भूलो मत उनको। आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपके पेरेंट्स जो होते हैं, वो बड़ा आपके लिए करते हैं। एक समय के बाद आपको लग सकता है कि वो अपोज कर रहे हैं, वो बोल रहे जॉब करो, ये करो, वो करो, उतना सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन एक जमाने में तो बहुत सपोर्ट किए, तो उतना थैंकफुल रहना है। आप उनके लिए क्या किए, और कभी भी कंपेयर नहीं होना चाहिए, कभी भी प्यार का कंपेरिजन नहीं होता कि कोई हमसे बहुत प्यार किया था, हम भी बहुत प्यार किए थे, प्यार तो प्यार होता है, उसका क्या कंपेरिजन करना, मैं बोल रहा हूँ उसका क्या कंपेरिजन करना, समझो ना। तो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक बड़ा मेरा फीलिंग से रिलेटेड है, मेरी फीलिंग से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि मैं डेली रूटीन लाइफ में लोगों को देखते रहता हूँ, और मैं देखते रहता हूँ कि आजकल ना, पुराने टाइम पे और अभी, मैं 16 साल पहले, 16 साल के बाद में देखते रहता हूँ, तो मेरे को लोगों के नज़रिए में डिफरेंस आना चालू हो गया। लोग बड़े जल्दी भूलते हैं, मतलब लोग बड़े जल्दी भूलते हैं कि उनको क्या मिला, किसके कारण मिला। बड़े जल्दी अपनी इक्वेशन क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, या मेरे कारण सामने वाले को क्या क्या होता है करके। तो ये नेगेटिव नज़रिया मैक्सिमम लोगों को, 90% लोगों का ये नेगेटिव नज़रिया आपकी ग्रोथ को रोक देगा, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि मेरी लाइफ में, मेरे को पता है कि कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, मेरी जर्नी में कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, मेरे स्कूल कॉलेज में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। आज भी मैं स्कूल के उन टीचर से बात करता हूँ, उन टीचर को सर्च करता हूँ, जो मेरे को थोड़ा थोड़ा टेक्निकल चीज़ सिखाए थे, जो मेरे को ये बताए थे कि ना, तुम एक गुड स्टूडेंट हो यार, तुम लाइफ में अच्छा कर सकते हो, वो मेरे को ना एक स्टेप की फीलिंग दिए थे कि तुम आगे बढ़ो। तो मैं बैठ के घर में पढ़ता था, क्योंकि वो मेरे को ना अप्रिशिएट करते थे कि तुम अच्छा कर सकते हो, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। तो मैं उनको भूला नहीं, इस जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा। तो कई बार अच्छे अच्छे रैंकर्स लोग अपने गाइड को भूल जाते हैं, अच्छे अच्छे रैंकर्स लोग अपने गाइड को भूल जाते हैं। आज की दुनिया तो ये हो गई कि अपने गाइड से ही कंपटीशन करना चालू कर देते हैं। दुनिया में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने गाइड से ही कंपटीशन करना चालू किए, जिससे चलना सीखे हो। अगर मैं अपने पेरेंट्स से अगर कॉम्पिटिशन करूंगा, तो इससे खराब चीज़ क्या हो सकती है। ऊपर वाला भी देखेगा, बोलेगा भाई इसको मैं ज़बरदस्ती दुनिया में भेजा, ये उनसे कंपेरिजन कर रहा है जिनके हाथ को पकड़ के चलना सीखा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज की डेट में चीज़ें कैसी हो रही है करके। आप अगर 11th 12th में अगर किसी टीचर से पढ़े थे, सपोज करो किसी टीचर से पढ़े थे, IIT की कोचिंग पढ़े थे, या किसी से कुछ पढ़े थे, और आप एक दिन थोड़े से अच्छा BTech कर लिए, MTech कर लिए, उसके बाद आपको लगा कि मेरे को IIT की कोचिंग खोलना है, तो यार इतना तो होना चाहिए कि आप उस सिटी में तो ओपन नहीं कर सकते जिस सिटी में आप किसी उस टीचर से पढ़े थे, और उसी टीचर से हो सकता है आज आप बड़ा आपका कंसेप्ट डोमिनेटिंग हो, लेकिन इतना एथिक्स तो होना चाहिए कि आप उस सेम सिटी में जाके
एक कोचिंग ओपन कर ली है। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। मैं जस्ट बहुत सारे लोगों की दुनिया देखता हूं ना, उसमें सब चीजें अनएथिकल वे में दिखती है, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लोगों की। लोग ऐसा करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, ऐसा लोग करते हैं। सब लोग नहीं करते, लेकिन कुछ लोग करते हैं। नहीं करना चाहिए किसी को भी। उस टीचर को कितना हर्ट होता होगा जो आज तक 10 साल से अपने प्राउड से बोल रहा होगा कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा स्टूडेंट। एक दिन उसी के बोर्ड लगे थे सिटी में, सोचो कि अब वो अगले दिन से क्लास में बोल नहीं पाएगा कि मेरा स्टूडेंट है। अब वो स्टूडेंट उस सिटी में बोर्ड लगा के उस टीचर से कॉम्पिटिशन कर रहा है जिसकी एज अब 50 के पार हो गई है, जिसकी एनर्जी कम हो गई है। अगर उसको करना ही था तो अपने टीचर को जाके बोलता कि सर अब मैं संभालूंगा आपका, आप मेरे को अच्छा दीजिएगा करके। लेकिन उसी टीचर से कॉम्पिटिशन कर रहा है। या उसको सिटी चेंज करना था, या उसको सिटी चेंज करना था। ये छोटी छोटी चीजें सीखने वाली बात है। कई लोग बोलेंगे सर हम गलत नहीं करेंगे। जिस दिन ना, गलत कौन नहीं करता है, जिसके पास गलत करने का ऑप्शन नहीं होता तो गलत नहीं करता है। जिस दिन आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, जिस दिन आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, जिस दिन आप थोड़े से ग्रो कर जाओगे, थोड़े से सक्सेसफुल हो जाओगे, उस दिन अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके एथिकल बने रहना, उस दिन बड़ी बात होगी। अभी हमारे पास कुछ नहीं है तो हम बोल देंगे कि सर हम वैसे लोग नहीं है, सर हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। मैक्सिमम लोगों के पास कुछ है नहीं, बट जिनके पास होता है, जब वो एथिकल होते हैं तब वो ट्रू फीलिंग वाला पार्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो जस्ट मेरे को लगा कि ये मेरे दिल से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि मैं इस एंगल पर रहता हूँ, मैं दूसरे एंगल पर रहता हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ। बहुत सारे लोगों की अलग अलग एंगल पे हेल्प किया। लोग डिच करते हैं, लोग सीखते हैं, लोग सीखने के बाद कंपटीशन करते हैं, अलग बात है कि ठीक है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में ऐसे लोग मिलते रहेंगे। बट फिर भी मैं सोचता हूँ कि लोगों को इतना एथिकल होना चाहिए, लोगों को इतना तो होना चाहिए कि आप किसको अपोज कर रहे हो। ये चीज़ जरूरी है कि आप किसको अपोज कर रहे हो, किसके बारे में खराब बोल रहे हो, किसके लिए प्लान कर रहे हो आप, और आप कहाँ से स्टार्ट किए थे, मतलब आप कहाँ से स्टार्ट किए थे। इस स्टोरी को कभी भूलना नहीं चाहिए। इस स्टोरी में आप किस किस की हेल्प लेके कहाँ तक पहुँचे, इस स्टोरी के पूरे पन्ने जो है ना, इस स्टोरी के जो पूरे पन्ने हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि उस पन्नों में कौन कौन आपकी स्टोरी लिखा। और जितने लोग उस स्टोरी को लिखे हैं उनको भूलना नहीं चाहिए किसी को भी। ये बड़ा बेसिक है। लोग बड़े जल्दबाजी में रहते हैं, बड़े जल्दबाजी में चीज़ों को भूलने पर बिलीव करते हैं, बहुत जल्दी मनी। और ये सबके पीछे ना जो एक बिग जो रीजन दिखता है वो मनी दिखता है। कई बार इस पन्नों की स्टोरी में जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे वो मनी ना इन पन्नों को ऊपर से क्रॉस करता हुआ निकल जाता है। तो जस्ट ये सीखने वाली बात है जिंदगी में। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल पे रहने, इस चैनल पे जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने लोग और प्रोफेशनल लोग हैं, वो इस चीज़ को समझे कि बेसिक फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और आप खुद सोच के देखो ना कि आप किसी के लिए थोड़ा सा कुछ करके देखो और फिर वो आपको अपोज करे। कभी जिंदगी में आप करके देखो, कोई भी, सब लोग करके देखो और आप सोच के देखो कि जिसके लिए हम कुछ किए वो आपको अपोज कर रहा है, वो आपको अपोज कर रहा है। आप ही सोच के देखो कि आप किसी की बचपन में हेल्प किए, एक स्कूल में किसी को पढ़ाने में हेल्प कर दिए, कोई बहुत बड़ी हेल्प नहीं होगी लेकिन उसके लिए तो बड़ी हेल्प थी, उसके लिए हेल्प कर दिए, वो स्कूल में पढ़ा, बड़ा कॉलेज वॉलेज में पढ़ा, आपके पेरेंट्स हेल्प कर दिए और आपके पेरेंट्स के सामने से वो गुजर जा रहा है बिना गुड मॉर्निंग बोले, कितना हर्ट करेगा आपके पेरेंट्स को, कि उनको याद आएगा ना एक्चुअली। और मैं मानता हूँ कि जो साइंस है ना, मैं भगवान को तो मानता नहीं लेकिन बद्दुआ और दुआओं को मानता हूँ मैं। ये जो साइंस है काम करता है, ये दुआएं और बद्दुआएं ना काम करती है, पता आपके पास। इसलिए मेरे को लगता है कई बार कि कई लोग बड़े पोटेंशियल में सोचते हैं, यार ये इतना पोटेंशियल व्यक्ति था, निपटा क्यों? क्योंकि मैं तो 16 साल के एक्सपीरियंस से इतना ही जानता हूं मैं, ये निपटा क्यों? तो मेरे को लगता है कि पक्का। फिर मैं जब थोड़ा सा उसके इनसाइड में जाता हूं, उसके हिस्ट्री में जाता हूं, तो पता लगता है कि नहीं, ये गुड ह्यूमन बींग नहीं था, इसलिए इसका निपटना जरूरी था, निपट गया। ये दुआएं बद्दुआएं काम करती है। मैं तो साइंस पे मानता हूं, बाकी चीज को मानता नहीं। तो आप हमेशा अगर आगे बढ़ रहे हो ना तो बड़े थैंकफुल रहो, बड़े डाउन टू अर्थ रहो। जिनके कारण आप बड़े उनके सामने हीरो बनने की नीड नहीं है। नेवर, कभी मत बनो, कभी नहीं। जिनसे भी आप कुछ सीखे हो, कभी भी नहीं। आप पेरेंट्स के सामने हीरो बनते हो गया, और अगर कोई बनता होगा तो मेरा और आपका कोई रिलेशन नहीं हो सकता। अगर आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे, आप सोचते होंगे कि आप बड़े व्यक्ति बन गए, पेरेंट्स से बड़े व्यक्ति बन गए। हाँ, तो आपके पेरेंट्स एक मिडिल क्लास फैमिली में होंगे, तो आप उन्हीं से सब कुछ लिए हो, आप अच्छा एजुकेशन कर लिए उनके कारण, और आप उनसे बड़े बन गए, तो इट्स ओके ना, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो उनके सामने थोड़ी आप बड़ी बात कर लोगे, उनके सामने थोड़ी हीरो बनोगे। तो अगर आप किसी से जिंदगी में कुछ लर्न किए और कुछ बड़े बन भी गए, तो आप कभी भी हीरो उनके सामने मत बनो। मेरी अच्छी किस्मत है कि मैं डे बाय डे ग्रो करते जा रहा हूँ, तो मेरे को लोग हीरोगिरी नहीं दिखाते।
लेकिन मेरे को लगता है कि बहुत बार लोगों को दिखाते होंगे दूसरे लोगों को, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा स्टूडेंट आईएएस ऑफिसर है कि पीएससी में काम कर रहा है कि एआईआर क्या था उसका, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरी जिंदगी भी प्रोफेशनली बड़ी ग्रो करते जा रही है, डे बाय डे बड़ी नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, तो इट्स ओके. लेकिन मेरे को लगता है मैं अपनी बात नहीं कर रहा है इस बारे में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जो एक नॉर्मल टीचर होता आपके स्कूल कॉलेज, कहीं कभी एक नॉर्मल टीचर होता है जो बाइक से घूमता है और आप आज बड़ी सी कार में घूमते हो, तो थोड़ी रिस्पेक्ट थोड़ी कम कर दोगे आप. तो एक अच्छा इंसान बने रहना बड़ा टफ है, पता है, बहुत टफ है. और सक्सेसफुल होने के बाद तो अच्छा इंसान बने रहना लगभग इम्पॉसिबल की डेफिनेशन है. जैसे जैसे व्यक्ति ग्रो करते जाता है उसका एथिक्स गिरते जाता है, जैसे जैसे व्यक्ति रिच होते जाता है व्यक्ति गुड ह्यूमन बींग की जो डेफिनेशन है ना उसे दूर होते जाता है. प्रॉब्लम यह है अमीर और सक्सेसफुल बनने के बाद ना व्यक्ति ना गुड ह्यूमन बींग वाले पार्ट से डाउन होता है और व्यक्ति ना अच्छी फीलिंग वाइज डाउन होता है. तो ऐसा भी सक्सेसफुल क्या होना और ऐसा भी अमीर क्या होना जिसमें कि आपकी फीलिंग ही ना रहे, तो इंपॉर्टेंट चीज है. जस्ट मैं बोला कि इस बातों को ध्यान में रखना है, इस बातों को केयर करना है, हम जिंदगी में आगे बढ़े, डाउन टू अर्थ रहे और बड़े अच्छे से कैरी करें यार, अपने स्टार्डम को कैरी करें, अपनी चीजों को कैरी करें. हम बिजनेस कर रहे हैं कोई सा भी तो भी कैरी करें. पता है कभी कभी मेरे को क्या अच्छा लगता है, कुछ लोग इतने इतने अच्छे लोग होते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग, मतलब अच्छे अच्छे बिजनेस करने वाले लोग जो मेरे स्टूडेंट रहे, 6 महीने रहे, गेट वेट की क्लास नहीं किए, कभी यूनिवर्सिटी की क्लासेस पढ़े, और भीड़ में जब मैं खड़ा रहता हूँ और वो आते, अमीर यार अमीर, पीएससीओ या आईएएस ऑफिसर की बात नहीं कर रहा, बहुत अमीर उनसे, बहुत सच में बहुत अमीर, मतलब काउंट नहीं कर सकता पैसा. और पूरी भीड़ में जब आके मेरा पैर पड़ते हैं ना कि सर आप सर यहाँ, तो मेरे को लगता है कि कुछ लोग बड़े डिफरेंट एंगल के लोग होते, और ऐसे भी लोग होते, कुछ लोग थोड़ा सा अचीव कर लेते और पागल हो जाते, थोड़ा सा अचीवमेंट में पागल हो जाते, कुछ लोग थोड़े से अचीवमेंट में पागल हो जाते, और कुछ लोग इतना सब अचीव करने के बाद जिनमें, और कई बार तो ऐसा होता है कि जिनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा हूं, जिनके ग्रोथ के लिए या मेरे कारण वो कुछ भी नहीं किए, मैं उनको ना सपोर्ट किया ना मेरे पैर पर रख के वो अमीर व्यक्ति बने ना सक्सेसफुल बने, वो लोग भी इतना प्यार करते. और कभी कभी लोग छोटा सा ग्रोथ कर लेते, छोटा सा, मैं छोटा ही बोलूंगा, मैं जिस जगह पे हूं वहां से, तो हो सकता है कई लोग की बात मेरी खराब भी लगती होगी, सोचते होंगे सर बहुत हीरो बनते हैं. मैं हीरो नहीं बनता हूं, मेरे को देख के लगता है कि कुछ लोग मतलब बड़े अजीब लोग होते हैं, कुछ थोड़ा सा ग्रोथ कर लेते, वो फील करते यस आई डिड वेरी गुड, क्या क्या. तो उन लोगों के सामने ना अगर मैं अपने 100-200 स्टूडेंट रख दूंगा ना गजब वाले जिनका पैकेज करोड़ों में होगा, तो निपट जाएंगे ऐसे ना, ऐसे 50 लोग को कवर कर लेगा मेरा एक स्टूडेंट, ऐसी ऐसी जगह पे है. अगर मैं पूरे स्टूडेंट की हिस्ट्री खोलूंगा ना, बॉयस और गर्ल्स की, जो मेरे से प्यार करते आता प्यार करते, जो मेरे को कॉल और मैसेज करते, तो मतलब लोग जो छोटा छोटा अचीव भी करते ना, मेरा हर स्टूडेंट सुपर नहीं है, मेरा हर स्टूडेंट भयंकर मेरी रिस्पेक्ट करता होगा ऐसा नहीं होगा. कभी कभी लोग छोटा सा अचीव करते हैं ना, उसमें भी लोग ना उस वे में चले जाते. हमेशा जब भी कुछ अचीव करो डाउन टू अर्थ रहो यार, डाउन टू अर्थ, जिसके कारण आप रिस्पॉन्सिव, जिसके कारण आप कुछ लिए हो जिंदगी में, उस वाले पार्ट को कभी भी इग्नोर मत करो, इंपॉर्टेंट है. बोला ठीक है, तो मैं बहुत सारी बात करता हूँ, बोला मेरे को लगता है कि मैं प्रैक्टिकल बातों पे बिलीव करता हूँ, आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप में से कई लोग रैंकर्स बनेंगे, आप में से कई लोग लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, और सबको करना है यार, डे बाय डे अपनी फीलिंग बड़ी स्ट्रांग रखना है. मैं चाहता हूँ लोग गुड ह्यूमन बींग बने रहे, मैं चाहता हूँ लोग फीलिंग वाइज बड़े स्ट्रांग रहे, मैं चाहता हूँ कि लोग कितना भी बहुत बड़े सक्सेसफुल ना हो, लेकिन आप थोड़ा भी अगर 50,000 की भी जॉब कर रहे हो, 20,000 की भी जॉब कर रहे हो, तो कोई ना कोई तो आप जिनसे कुछ ना कुछ सीखे उनके रिस्पेक्ट के साथ कभी भी कंप्रोमाइज मत करना, प्लीज प्लीज. तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों को थैंक्स तो जरूर मैसेज करोगे, बड़ा अच्छा सा मैसेज करोगे, इतना अच्छा सा मैसेज कि उसका रिप्लाई आए और उसको पढ़ के बड़ा अच्छा लगे, चाहे टीचर हो, चाहे आपका लैब असिस्टेंट हो, चाहे आपका गाइड किया हो, चाहे आपको कहीं से उठाया हो, आप स्ट्रगल कर रहे थे आपको कहीं से उठाया हो, आपकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिविटी डाला हो, आपको 10 लोगों के सामने हीरो बनने का मौका दिया हो, आपकी इंटरनल फीलिंग को इंप्रूव करवाया हो, आपके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो, या आप आज फील करते हो कि आई एम वेरी गुड पर्सनली, आप एक पर्सनली गुड फील करते हो, आप एक स्मार्ट पर्सन बन चुके हो जिसके लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल है. बनता है बोला नहीं बनता है, तो ठीक है हम लाइफ में सीखते जाएंगे, ये एक अच्छी चीज है, ये मेरे को कनेक्टेड लगा. हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को कनेक्टेड ना लगे,
बहुत सारे स्टूडेंट को कनेक्टेड ना लगे, उनको लगेगा कि हमारे लाइफ में तो सर कोई भी थैंकफुल नहीं। अरे कैसे नहीं है भैया, आप किसी से कंसेप्ट सीखे हो थोड़ा सा भी तो भी थैंकफुल है, आपको अच्छी फीलिंग कोई दे गया तो भी थैंकफुल होना चाहिए। हमको हमको छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल होना चाहिए। सामने वाले को हो सकता है बहुत अच्छा लग जाए आपके थैंकफुल होने से, ठीक है। तो आप ना जितने लोग आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी डाले हैं, जितने लोग आपकी जिंदगी के में स्माइल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके कॉन्फिडेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आज आप जहां पे हो उसमें थोड़ा भी अगर किसी का योगदान है तो आपको थैंकफुल रहना है। इस चीज को भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। चलो तो आप मैसेज कर ही रहे होंगे, वीडियो खत्म होते जा रहा है, ये वीडियो खत्म होने जा रहा है और आप सोच ही रहे होंगे कि किसको मैसेज करना है। करेंगे, मैं जानता हूं आप मैसेज जरूर करोगे, ठीक है। आप ऐसे शेयर करते रहिए, व्हाट्सएप में स्टेटस लगाइए, बाकी लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो दूसरे टीचर को कोई मैसेज करेगा, तो सोचो उस टीचर को जिसको कुछ लोग कभी मैसेज नहीं किए, उसको आज मेरे कारण अगर कोई मैसेज करेगा तो उसको कितना अच्छा लगेगा। सुबह सुबह अपनी अपना वो मोबाइल का मैसेज देख रहा होगा और उसको लगेगा क्या बात है यार, कुछ स्टूडेंट कितने अच्छे होते करके। इतनी सी फीलिंग किसी को देने में क्या जाता है यार, किसी को एक अच्छा फील दो और वो भी झूठ नहीं सच, जो डिजर्व करता था उसको एक फील दो। अपना चश्मा वश्मा पहन के एक पुराना सा टीचर ऐसा प्राइमरी या मिडिल स्कूल कैसा देखेगा, बोलेगा ओ ये एक स्टूडेंट था मेरा, कितना अच्छा लगता है जिंदगी में। इस फीलिंग को मत जाने दो, ये बड़ी गुड फीलिंग है और एक हमेशा अच्छा इंसान बनना जरूरी है, ठीक है। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।